भाई आजकल जो बंदे को शादी के बाद जो 90% बंदों को दिक्कत आती है वो यह आती है कि या तो उन्हें इरेक्शन तो आता है भाई, जो भी इरेक्शन है उनका 30 से 40 सेकेंड जो भी टाइमिंग रह गई है थोड़ी बहुत देर के लिए जो भी इरेक्शन आता है, लेकिन उसके बाद होता यह है कि ना तो फिर उन्हें इरेक्शन आता है और ना ही हफ्ते महीने तक उनका दोबारा फिजिकल होने के लिए मन करता है। तो भाई इस चीज से बहुत ज्यादा बंदे परेशान हैं और तरह तरह की दवाएं भी खा रहे हैं लेकिन कोई भी बेनिफिट कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आ पा रहा। एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने इसको बना करके कुछ दिन तक इस्तेमाल कर लिया तो इंशाल्लाह चाहे आपको टाइमिंग की दिक्कत हो या फिर रिएक्शन की कमी हो या फिर भाई वो वाली जो दिक्कत सबसे ज्यादा जो आ रही है आजकल बंदों की, भाई एक बार करने के बाद दोबारा उनको कुछ हो ही नहीं पाता, दोबारा फिजिकल होने के वो लायक ही नहीं रहते। तो भाई नुस्खा सुनिए क्या लेना आपने। भाई 10 ग्राम मस्तक रूमी, 50 ग्राम सालम पंजा, 50 ग्राम सालम मिश्री और भाई 50 ग्राम सफेद मूसली और भाई 100 ग्राम पूजा मिश्री और 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम जायफल, सारी चीजों को अच्छे से कूट पीस के बारीक पाउडर कर लीजिए। सुबह शाम 5-5 ग्राम एक चम्मच दूध के साथ खाइए। भाई 10 से 15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि जो आपकी वो वाली दिक्कत है ना कि एक बार फिजिकल होने के बाद दोबारा मन नहीं करता है, रिएक्शन की कमी है, टाइमिंग की दिक्कत है, प्रेमेच्योर इजाकुलेशन या फिर भाई इरेक्टाइल डिसफंक्शन कोई भी दिक्कत हो, बिल्कुल जड़ से आपकी ये खत्म हो जाएगी। और भाई तली भुनी खट्टी गर्म चीजों का जरा परहेज भी करें, मुझे उम्मीद है आप एक बार जरूर ट्राई करेंगे।